हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्राइम नंबर के बारे में। आप किसी नंबर को देखकर कैसे बता सकते हैं वो प्राइम नंबर है या नहीं। अगर वो सिंगल डिजिट के तो आप इजीली बता देते हो, टू डिजिट का भी आप इजीली बता देते हो, लेकिन थ्री तक आपको थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ रूल्स। प्राइम नंबर जैसे कि आप समझते हैं ऐसा नंबर जिसका दो ही फैक्टर हो, ठीक है, वन और नंबर इट्सेल्फ। ओके, जैसे बोल सकते हैं टू, टू का एक फैक्टर होता वन और दूसरा टू इट्सेल्फ, ठीक है। थ्री, थर्टीन, सेवेंटीन, ओके, लाइक दैट। अब चलिए इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। सबसे पहले चेक करने का क्या तरीका है, अगर उस नंबर के यूनिट डिजिट में इवन नंबर ना हो, ठीक है, लाइक टू फोर सिक्स एट जीरो, यूनिट डिजिट में 24680 ना हो, या आप बोल सकते कोई इवेंट डिजिट ना हो यूनिट प्लेस पे, तो वो प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले आपने चेक कर लिया कि इवेंट डिजिट नहीं है यूनिट प्लेस पे। उसके बाद आप क्या चेक करेंगे, क्या वो नंबर थ्री से डिविजिबल होता है। तो मैंने डिविजिबिलिटी के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, सबके लिए, थ्री के लिए, सेवन के लिए। तो थ्री के लिए मैंने बताया था उस वीडियो में, आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थ्री के लिए मैंने बताया था अगर कोई नंबर है, लाइक ले लीजिए 36, इन दोनों नंबर में कितने डिजिट है, दो डिजिट, इन दोनों डिजिट का जब सम करें, लाइक 3 + 6 = 9, ठीक है, और वो जो सम करके नंबर आएगा अगर वो थ्री से डिविजिबल है तो ये नंबर भी थ्री से डिविजिबल होगा। जैसे कि बोल सकते 3 + 6 = 9, जो कि थ्री से डिविजिबल है थ्री टाइम्स में, यानी कि ये नंबर थ्री से डिविजिबल होगा। तो आप वो चेक कर ले कि वो थ्री से डिविजिबल तो नहीं। फिर आप क्या चेक करेंगे कि सेवन से डिविजिबल तो नहीं। उसके बाद आप चेक करेंगे कि जो गिवन नंबर है, जो भी नंबर आपको दिया जाएगा, उसमें आप प्लस वन ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे सिक्स से, और जो गिवन नंबर दिया जाएगा उसमें माइनस वन करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे सिक्स से। अगर ये दोनों सिक्स, ये जो दोनों रिजल्ट आएगा, अगर वो सिक्स उसको डिवाइड नहीं करेगा, अगर नॉट डिविजिबल होगा, देन वो डेफिनेटली प्राइम होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी डिविजिबल हो गया सिक्स से, तो वो प्राइम हो सकता है, ऐसी टेंडेंसी, नॉट श्योर, वो प्राइम हो सकता है, बट अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो वो पक्का प्राइम है। जैसे कि चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने नीचे एक एग्जाम्पल लिया है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम नंबर। तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो चलिए उसको चेक करते हैं। रूल नंबर वन से हम लोग को देखना था कि यूनिट डिजिट में इवन नंबर तो नहीं, तो आप सारे ऑप्शंस में देख सकते हैं इवन नंबर नहीं है, ठीक है। सेवन और थ्री क्या है, ऑड नंबर होते हैं। सेकेंड हमारा क्या था रूल, कि उसके बाद आप देखिए कौन सा नंबर थ्री से डिविजिबल है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, थ्री का मैंने क्या बताया, सारे डिजिट का सम कर ले, तो ये आ जाएगा 1 + 5 + 7, क्या हो जाएगा 13, जो कि थ्री से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर थ्री से डिविजिबल तो नहीं है, ठीक है। अब चलिए इस नंबर को चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड, सेवन से डिविजिबल है, तो देखते हैं 7 × 2 = 14 = 17, नहीं, सेवन से डिविजिबल नहीं है। अब क्या करते हैं, गिवेन नंबर में प्लस वन ऐड करेंगे, प्लस वन ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करके देखते हैं सिक्स से क्या आता है, 158/6, क्या ये नंबर सिक्स से डिविजिबल है, ये नंबर सिक्स से डिविजिबल नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है ये 150 से, उससे माइनस वन करेंगे, उसको सिक्स से डिवाइड करके देखेंगे, आएगा 156/6, क्या ये सिक्स से डिविजिबल है, नहीं है। तो अगर मैंने बोला अगर ये दोनों डिविजिबल नहीं है सिक्स से, ठीक है, प्लस वन ऐड करके और माइनस वन ऐड करके, यानी कि ये डेफिनेटली प्राइम नंबर है, ठीक है, तो हमें क्या चूज करना, नॉट प्राइम। नेक्स्ट देखते हैं, इवन नंबर तो नहीं है यूनिट प्लेस पे, दूसरा क्या चेक करना है, थ्री से डिविजिबल है, तो 1 + 0 + 5 + 7 क्या हो जाएगा, 13, थ्री से डिविजिबल नहीं है, चेक करना आप सेवन के लिए, क्या सेवन से डिविजिबल है, तो सेवन से ये नंबर डिविजिबल है, आप कर ले डिवाइड करके, तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये नंबर लेके सेवन से डिविजिबल है। तो हमें पता चल गया, अगर इस रूल में से कोई एक भी अगर चेक करे और वो हो जाए, यानी कि सेवन इसका एक फैक्टर आ जाएगा, और प्राइम नंबर हमें पता है उसका फैक्टर या वन हो जाता है या नंबर इट्सेल्फ, तो एक फैक्टर सेवन भी आ गया, यानी कि ये प्राइम नहीं है। तो ये हमारा आंसर मिल गया।
क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कैसे चेक करना, तो मैं सारे ऑप्शंस को डील करूंगी। जैसे कि नेक्स्ट है यूनिट प्लेस देख लें, इवन नंबर नहीं है। दूसरा थ्री से क्या डिवाइड होगा, तो टू प्लस सिक्स प्लस थ्री क्या हो जाएगा, इलेवन। थ्री से डिविजिबल नहीं है, सेवन से है, सेवन से भी डिविजिबल नहीं है। अब ये वाला लगाते हैं, नंबर में वन प्लस करें, उसको सिक्स से डिवाइड करें, टू सिक्स फोर अपॉन सिक्स, 44 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक भी अगर डिवाइड कर देता है सिक्स को, अगर इन दोनों में से कोई एक अगर सिक्स से डिविजिबल हो सकता है तो पॉसिबिलिटी है प्राइम होने का। और दूसरा भी चेक कर लो, वैसे 263 माइनस 1 अपॉन 6 क्या हो जाएगा, 262 अपॉन 6। ये क्या ये डिविजिबल है, डिविजिबल नहीं है सिक्स से। तो ये नंबर पर एक एक देख रहे हैं आप, ये डिविजिबल नहीं है सिक्स से, लेकिन ये वाला डिविजिबल हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हो सकता है ये मैंने नहीं बोला, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों डिवाइड नहीं करता तब जाके ये श्योरिटी हो जाती है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली आप इसके लिए देखिए, इवन डिजिट यूनिट डिजिट में क्या इवन नंबर है, नहीं है। थ्री से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है। सेवन से डिविजिबल नहीं है, फिर आप ये वाला ट्राई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 7 6 4 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा, ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3 7 6 2 अपॉन 6, ठीक है। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है, यानी कि पॉसिबिलिटी हो सकती है ये प्राइम हो, पर हमें यहाँ आंसर चूज करना था नॉट प्राइम, तो एक फैक्टर हमें 7 मिल गया था, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह आप सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम, कौन सा प्राइम है। तो आप पहले मैंने बोला यूनिट डिजिट में इवन नंबर चेक कर लें, अगर है तो वो डेफिनेटली प्राइम तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं सेकेंड ऑप्शन में यूनिट डिजिट में इवन नंबर है, दैट इज 4, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरा सब में अब ऑड नंबर है, सेकंड क्या चेक करना था कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, देखते हैं। 7 + 3 10 + 5 15, 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसको चेक करते हैं, 7 + 4 11 और +1 12, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका 3 भी फैक्टर आ जाएगा, इसका भी 3 फैक्टर आ जाएगा। इसको देखते हैं, 7 + 3 10 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, फिर 7 के लिए चेक करते हैं। वैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तरीके से आप देख सकते हैं, 3 फॉल्स हो गया तो ये तो राइट ही होगा कि प्राइम तब यही होगा, बट मैं चेक करके फिर भी बता रही हूँ, इवन नंबर नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी नहीं है, एंड इसमें एक प्लस करके देखे तो क्या आएगा, 308। इसको 6 से डिवाइड करके देखे क्या ये डिविजिबल है, ये 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। फिर 306 क्या ये 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो चांसेस हो सकता है ये प्राइम हो, ठीक है। तो आप फिर किससे आप डिविजिबल है ये नहीं पता करना, बस आपको चेक करना था कि कौन सा प्राइम नंबर, तो हमें पता चल गया कि 307 प्राइम नंबर, क्योंकि किसी में और पॉसिबिलिटी नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम नंबर। तो जो अगर यूनिट प्लेस में इवन नंबर है तो देखिए इवन नंबर नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या चेक करना है कि कोई 3 का मल्टीपल है तो हमें क्या चूज करना, नॉट प्राइम, प्राइम नहीं है। तो ये 1 + 3 4 + 1 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इस नंबर को एक बार देख लेते, 3 से डिविजिबल है क्या, तो 1 + 9 10 + 9 19 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 22, 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 5 13 + 7 20 25 26, 3 से डिविजिबल नहीं है। इसको ऐड करके देखते हैं, 1 + 2 3 3 + 6 8 is 14 14 and 7 21, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया, क्या है ये, नॉट प्राइम, क्योंकि इसका 3 एक फैक्टर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम, चलिए फटाफट करते हैं। यूनिट प्लेस में क्या 2 है कहीं भी, नहीं है, तो प्राइम के लिए दूसरा चीज रूल क्या था, मैंने बताया 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 1 + 6 क्या होता है, 7 + 1 8, 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 + 2 4 + 1 5, 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 + 7 10 + 3 13, 3 से डिविजिबल नहीं है। एंड 4 + 3 7 + 7 14, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। थर्ड रूल, 7 से डिविजिबल है कि ये नंबर, ये 7 से डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें प्राइम चूज करना है। क्या ये 7 से डिविजिबल है, देखते हैं, तो 7 से ये डिविजिबल नहीं है। ये 7 से डिविजिबल है, देखते हैं, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये है
सेवन से 42, ये तीनों सेवन से डिविजिबल नहीं है। दूसरा क्या मैंने बताया था, आपको चेक करना है नंबर, गिवन नंबर है प्लस वन ऐड करके सिक्स से डिवाइड, 2 2 2 upon 6, ठीक है। तो ये क्या सिक्स से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है। और 2 2 1 minus 1 upon 6 यानी कि 2 2 0 upon 6, क्या ये सिक्स से डिविजिबल है? ये सिक्स से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइम हो सकता है। अब इसको रखते हैं 373 में प्लस वन ऐड करें और सिक्स से डिवाइड, तो 374 upon 6 क्या हो जाएगा? क्या ये सिक्स से डिविजिबल है? नहीं है। 373 minus 1 upon 6 क्या आ जाएगा? 372 upon 6, क्या ये सिक्स से डिविजिबल है? से डिविजिबल है, यानी कि पॉसिबिलिटी इसमें भी है कि वो प्राइम हो सकता है। ये चीज देखते हैं इसका 437 प्लस 1 upon 6 तो क्या हो जाएगा? 438 upon 6, क्या ये सिक्स से डिविजिबल है? ये सिक्स से डिविजिबल है। 437 minus 1 upon 6 क्या रहेगा? 436 upon 6, ठीक है। तो ये सिक्स से डिविजिबल है, ये नहीं है, मतलब तीनों में सेम पॉसिबिलिटी आ रही है। अब चेक करते हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग डिविजिबिलिटी से चेक करते हैं। मैंने एक जो वीडियो बनाया उसमें सारा मैंने बताया। आपने 2 के लिए चेक कर लिया, 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 भी डिविजिबल नहीं है। अब आपसे प्राइम नंबर के लिए चेक करेंगे, क्या ये किसी का आ रहा है फैक्टर और एक्स्ट्रा। जैसे देखते हैं 7 तक हमने देख लिया, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11, 11 से होने के लिए क्या आपने बोला था? अल्टरनेट, तो 2 plus 1 3 3 minus 2 1, ठीक है। 11 1 को डिवाइड नहीं करता, 11 डिविजिबल नहीं है। 13 के लिए मैंने क्या बताया था? 13 के लिए मैंने बताया था मैं कि जो नंबर है उसकी यूनिट प्लेस में आप क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, जो रिजल्ट आएगा उसको रेस्ट नंबर में ऐड कर दे 26, जो कि 13 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये नंबर हमारा प्राइम नहीं हो सकता। देखा आपने कितना इजीली मैंने पता लगा लिया। चलिए 437 के लिए मैं देखती हूँ, 437, ठीक है। 13 के लिए आप ट्राई कर लेंगे उसी तरह से मल्टीप्लाई 4 करके, तो 28 11 5 2 7 71, ठीक है। तो ये तो 13 में नहीं आता है, 437, उसके बाद क्या आता है? 17 आता है एक प्राइम नंबर, ठीक है। उसमें क्या मैंने बताया था? आप 12 से कर ले, तो 84 127 into 12 84 6 96, ठीक है। तो 17 के टेबल में 96 तो नहीं आता है, तो ये 70 से भी डिविजिबल नहीं है। 437 into 19 के लिए हम लोग चेक करें, तो इंटू 2 कर देंगे तो आएगा 14, आएगा 57, ठीक है। फिर आएगा 57, तो जो कि 19 के टेबल में आता है कितना? 3 टाइम्स में। तो ये नंबर, इस नंबर का जो एक फैक्टर 19 भी आएगा, तो ये भी प्राइम नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया प्राइम में? 373। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम। तो चलिए आप ये वाला क्वेश्चन बताइए मुझे, कौन सा नंबर प्राइम होगा। तो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कहीं इवन नंबर नहीं है। 3 से डिविजिबल है, तो 5 plus 4 9 9 plus 9 18, 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर तो डेफिनेटली प्राइम नहीं है। कैंसिल ये ऑप्शन, ये 14, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, और ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तीसरा 7 से डिविजिबल है, चलिए चेक करते हैं, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है, और ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे बहुत इजीली। उसके बाद आप क्या, मैंने बोला था नंबर में प्लस वन ऐड करें और सिक्स से डिवाइड करें, तो इसको चलिए करके देखते हैं। नीचे यहाँ कर रही हूँ, 437 में वन ऐड कर रही हूँ, तो 438 upon 6, क्या ये सिक्स से डिविजिबल है? ये सिक्स से डिविजिबल है, ठीक है। अगर उन दोनों में से कोई एक भी डिविजिबल हो गया, तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो प्राइम है। तो आप दूसरा नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा, तो आप एक ऐसे डैश देख के रखें कि पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं 443, उसमें 1 ऐड करें तो 4 आएगा अपॉन 6, ठीक है। क्या ये 6 से डिविजिबल है? हाँ 6 से डिविजिबल है, इसमें भी लेकिन पॉसिबिलिटी है। 473 के लिए देखते हैं, 473 plus 1 4 आ जाएगा अपॉन 6, ठीक है।
इसमें भी 6 से डिविजिबल है, यानी पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं दूसरा वाला पार्ट चेक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक में ही अगर डिविजिबल आ गए तो समझ जाओ कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि प्राइम नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, प्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों नॉन डिविजिबल होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। चलिए अब फैक्टर्स हम डिसाइड कर लेते हैं। 7 तक हमने चेक कर लिया, देखते हैं 11 क्या इसका फैक्टर है। तो 4 + 7 11 -3 क्या आता है 7, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, तो 11 का फैक्टर डेफिनेटली नहीं है। उसके बाद कौन सा आता 13, 437, तो 437 आप जैसे यहाँ पे देख चुके हैं, जैसे अब मैंने चेक किया था 19 इसका फैक्टर कैसे निकला था यहाँ पे 437, 7 में यूनिट प्लेस में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था और रेस्ट बचे हुए नंबर में ऐड कर दिया 57, जो कि 19 के टेबल में आता है, ठीक है, यानी कि उसका डिविजिबिलिटी है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब है 443 और 473, तो मैं 473 के पहले चेक कर लेती हूँ। पहले आप 11 के लिए चेक करें, 4 + 3 7 और 7 - 7 0, यानी कि 11 इसका होगा फैक्टर, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या बचा, सिर्फ ये वाला बचा, यानी कि ये प्राइम नंबर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। Thanks for watching my videos.